हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ हूं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टैंक वन बाय वन प्रोसेस हो रहा है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सम बना लिया, अभी सम का टैंक हमने शिफ्ट कर दिया यहां पे। अभी हम करने जा रहे हैं प्लंबिंग। प्लंबिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है टैंक के लिए। अगर आप फिल्टर बनाने जा रहे हो तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे लास्ट टाइम, आप प्लंबिंग मत करो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, उसके बदले में एक जो है एक अच्छा सा कैनिस्टर फिल्टर ले लो। लेकिन कैनिस्टर फिल्टर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि 2-3 साल ही उसकी एवरेज लाइफ होती है, लेकिन अगर सम बनाने जा रहे हो तो 10-12-15 साल भी ये चल जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, काफी अच्छा काम करता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि सम बनाओ। मैंने आपने देखा 5 फीट टैंक के लिए भी मैंने सम ही बनाया था, अभी 7 फीट टैंक के लिए भी मैंने 3 फीट का सम बनाया हुआ है, वही आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सम प्लंबिंग करने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं यहां पर ले लिया हूं एक टैंक निपल है सवा, ये पूरा जो मेरे पास प्लंबिंग कर रहा हूँ 42 mm का है, मतलब 1.25 इंच का होता है। तीन मैंने ये लिए टैंक निपल ले लिया है, और ये 12 जो है मैंने एल्बो ले लिया है, और इसको बोलते हैं FTA 3 लिया मैंने, और MTA 1 है मेरे पास, इसको MTA बोलते हैं, ये वाला MTA 1 पीस लिया है 1 इंच का। और यहाँ पर 1 इंच के 2 बुश हैं और 2 जैन कलर है, और एक हाउस कलर एक इंच का है, और 1 इंच का मैंने 1 फीट पाइप लिया है। ये क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यहाँ पर है 2 वॉल जो हमें कंट्रोल करने के लिए चाहिए, और एक है टर्पलन टेप और एक एक्सल ब्लेड, और एक लेंथ पाइप ले लिया मैंने यहाँ पर, 2 मैंने कट करके क्योंकि जगह नहीं होती इसलिए कट कर लिया मैंने। ये पूरे PVC पाइप CPVC पाइप है, 1 फीट मैंने ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो PVC पाइप आता है उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं CPVC क्यों प्रेफर करता हूँ कि काफ़ी स्ट्रांग रहता है और ये लाइफ टाइम तक चलेगा, 50 साल भी, हालांकि इतना हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी 30-40 साल भी अगर ये टैंक रह जाती है तब तक भी ये कोई इशू नहीं होता है। CPVC आजकल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग ऑप्शन है। PVC में आजकल बहुत थिन आते हैं जिसका काफ़ी ये जो है डैमेज होने के ऑप्शंस है, ये बहुत अच्छा है। तो ये टोटल जितने भी एक्सेसरीज यहाँ पर हैं ये पूरे 1,850 रुपये के एक्सेसरीज हैं, विद पाइप मिलाकर 1,850 का ये पूरा एक्सेसरीज है, और मीडिया और उसके बाद में जो मोटर वगैरह है वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए अभी प्लंबिंग स्टार्ट करते हैं। प्लंबिंग स्टार्ट करने से पहले पूरा वीडियो को बगैर स्किप किए इसको देख लेना, किस तरह हम काम कर रहे हैं पूरा आपको समझ में आएगा। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद घर में खुद प्लंबिंग कर सकते हैं। मैंने 5 फीट का टैंक भी बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिंक आ रही है, 5 फीट का टैंक भी मैंने बनाकर दिखा था 5 फीट टैंक के लिए किस तरह प्लंबिंग करते हैं, वो भी आप जाकर देख लेना, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। अभी 7 फीट टैंक को हम प्लंबिंग करने जा रहे हैं। इससे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर टैंक निपल इंस्टॉल कर लेना है। चलिए दिखाता हूँ, इसको थोड़ा हल्का सा टाइट कर लेना, ज़्यादा आप इसको स्पानर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, पाना वगैरह लेके टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आपको श्योर हो जाए कि टाइट हो जाए इतना ही काफ़ी है। और ये रबर दोनों तरफ से डालना ज़रूरी है तभी जाकर ये टाइट होगा। ये 120 रुपीज़ का आता है, अगर CPVC की बात करें, 1.25 इंच का पाइप है जैसा पहले भी कहा मैंने। अब इधर हो तो देखिए, तीनों मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, तीनों को मैंने टैंक निपल लगा लिया। अभी इसका हमको लगाना है अंदर से FTA, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं FTA, इसको जो है गम वगैरह किसी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अभी FTA यहाँ पर डालना ज़रूरी है, इसको भी हमें डालना चाहिए। एक ओवर फ्लो का है, नॉर्मल है, ओवर फ्लो का थोड़ा ऊपर है पानी, अगर ये पाइप अगर काम नहीं कर रहा है, जाम हो गया, पानी फुल हो गया तो ओवर फ्लो से नीचे आ जाएगा। तो ये तीन FTA लगी है, अभी एल्बो लग के नीचे पाइप लगेगा। तो अभी यहाँ पे हमें पाइप लगाना पड़ेगा एल्बो जॉइंट करने के लिए, एल्बो जॉइंट होने से ही पाइप लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा पाइप कट कर लेते हैं। तो छोटे पीस मैंने 3 कट कर लिया है, ये किस लिए है, क्योंकि ये क्या यहाँ पे एल्बो लगता है, जैसा हम चाहे इसको मोड़ सकते हैं। तो अभी हम किसी को भी गम नहीं लगा रहे हैं, बस यहाँ पे मेजरमेंट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग लगा रहे हैं, बाद में पूरा सेट हो जाएगा, बाद में हम गम लगाएं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही है। ये लंबा पाइप ऐसा आएगा क्योंकि यहाँ पर मोटर है और ये 2 फ्लो के यहाँ पे आएंगे। दोनों अगर हम ऐसा लेंगे
यहाँ से तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ मोटर का ही ले रहे हैं। तो दोनों पाइप हो गए, अभी हमें एक नॉर्मल पाइप है, ये ओवरफ्लो है। अभी हम यहाँ पर जो ज़्यादा एल्बो का यूज़ नहीं करेंगे, ये एल्बो जो है 90 डिग्री आता है, ये शू बोलते हैं इसको, शू 45 डिग्री का है। यहाँ पर हम शू इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर एल्बो हम इस्तेमाल करेंगे तो मोटर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। अगर ज़्यादा हम मोटर पर प्रेशर डाल रहे हैं तो ऐसा है कि हम गला दबा के जिस तरह बात करते ना, इस तरह मोटर की भी लाइफ भी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर से हम शू का इस्तेमाल करेंगे ताकि मोटर को जो है प्रेशर कम पड़े। देखिए यहाँ पर इस तरह शू का हम इस्तेमाल करके उस साइड का पाइप हम लेते हैं, उसका हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा मुझे। हम लोग शू का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्बो इस्तेमाल नहीं, क्योंकि एल्बो में पानी का फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही एल्बो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना क्या होगा मोटर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए हम दो एल्बो दो शू यूज कर रहे हैं, यूज करके इस तरह हम लोग लगाएंगे। देखिए इस तरह ऐसा लग जाएगा, इससे क्या होगा पानी के ऊपर प्रेशर कम होगा, जिससे आसानी से आप अपने फिल्टर को हैंडल कर सकते हो, वरना तो प्रेशर ज्यादा होगा जिसकी वजह से पानी फोर्स होगा, बाद में मोटर बहुत जल्दी 3 साल 4 साल 5 साल आने की मोटर आपको 1 साल में उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी मोटर की जगह पे आपका शू का इस्तेमाल करें जो 45 डिग्री का एल्बो होता है। अभी हम वाल इस्तेमाल कर रहे हैं, वाल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी का प्रेशर जो है कभी कभी ज़्यादा नीचे आ सकता है, मोटर के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी इमरजेंसी के लिए या फ्यूचर में पानी का फ्लो कम करना है तब इस्तेमाल करना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वाल के ऐड करो। वाल ऐड करने के लिए अभी हम पाइप निकाल के इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों हो गए। देखिए यहाँ पर एक ये वाला जो है नॉर्मल पाइप है, जहाँ पर हम उसको वाल से हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी चाहे तो आगे आएगा वो पाइपिंग के बाद, थोड़ा यहाँ तक आएगा वो, अभी थोड़ा पीछे लग रहा है क्योंकि वो अभी बराबर एडजस्ट नहीं हो पाया। ये वाला ओवरफ्लो के लिए है, ये भी सामने आएगा, पीछे हमने वो गम नहीं डाला इसलिए थोड़ा पीछे चला गया, वरना ये दोनों इस तरह आएंगे। और अभी यहाँ पे हम इसको भी वाल डालना है, तो वो भी वाल कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाल डाल दिया है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ रहेगी, यहाँ पर पानी मोटर से ऊपर जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एम्प्टी आता है, सबसे पहले मैं थोड़ा पाइप कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोटर आता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पर एक शू आएगा, उसके बाद इसको एम्प्टी बोलते हैं, तो इसको एम्प्टी बोलते हैं, ये एम्प्टी रखता है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं हाउस कलर, ये बोलते हैं हाउस कलर बोलते हैं। ये किस लिए होता है, मोटर के लिए, इसको हाउस कलर बोलते हैं। हाउस कलर को एक पाइप लगता है, 1 इंच का पाइप है ये, उसके बाद ये मोटर पे लगती है। मेरे पास पुरानी मोटर है, एक्चुअली मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, नई मोटर मैं जब लाऊंगा तो उसका अलग हिसाब होगा, ये बस डेमो के लिए है। इस तरह सिंपल से आपको लगा के ये मोटर पे इस तरह लगता है। यहाँ पे डेमो के लिए मैं दूसरी मोटर इस्तेमाल किया हूँ, बाद में आप चाहे तो मोटर दूसरे भी इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ में आए किस तरह ये प्लम्बिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आप मीडिया चाहे वो आप डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे स्पॉन डाल देना है, तो इस तरह आप प्लम्बिंग करना है, घर के अंदर आप प्लम्बिंग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा समझ में आ रहा है आपको, स्पॉन्च आएगा यहाँ पे, स्पॉन्च से यहाँ पर जो भी आप अपना फेवरेट मीडिया है वो डाल सकते हो, मैं बस डेमो के लिए डाला हुआ है। यहाँ पर आप सिरामिक रिंग्स जो भी है डाल सकते हो, फिर यहाँ पे पाइप मोटर है, मोटर से पुश करके वहाँ पर आएगा।
फिर ये दो टैंक नीचे पानी आएगा। तो और भी थोड़ा प्लम्बिंग है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक को एल्बो आएगा ताकि पानी जो है अगर आप यहाँ पर ओवरफ्लो वॉक करें तो नीचे से आसानी से पानी सक कर लेता, साउंड नहीं, गड़गड़ का साउंड आता है ना, वो साउंड नहीं आएगा। इसके बदल अगर तो साउंड आएगा, अगर पानी खत फिल होगा, पानी फिल हो क्या है, ये ओपन ही छोड़ देना है, इसको क्या पानी अगर फुल हो जाएगा तो पूरा नीचे चला जाएगा। हवा इंच का पाइप डालने की जरूरत नहीं है, बुश आता है वहाँ पे, बुश के लिए इस तरह डाल के फिर एक इंच का पाइप आएगा, एक इंच का पाइप जितना चाहे कट करके, थोड़ा कट कर लेता हूँ, ये इस तरह हो गया। इसको अगर मैं आप चाहे तो थोड़ा ये यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है, आप अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मंगाओ तो अलग डिजाइन के यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं इसको बाद में क्या करूँगा, हीट करके थोड़ा पुश कर दूंगा ताकि इसका लुक अच्छा आ जाए। तो पानी फ्लो होगा तो पूरा टाइम है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एल्बो डालोगे, एल्बो से एकदम इधर टर्न हो जाएगा तो सामने का पानी पुश नहीं होगा। इस तरह आप इसको शू इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा कट करके हम छोटा भी करेंगे, बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरह छोटा करना है। तो ये कंप्लीट प्लम्बिंग है, तो ये पूरा प्लम्बिंग हो चुकी है, कंप्लीट प्लम्बिंग हो चुकी है अभी टैंक की। अभी सिर्फ अभी तक हमने गम नहीं डाला था, अभी इसको हम सिलिकॉन जो पीवीसी पाइप का गम आता है अभी हम गम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अभी परमानेंटली इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा हो चुका है, मैंने पूरा गम ही लगा दिया। इसको गम लगाने की जरूरत नहीं, ये वाला जो पाइप है इसको लगाने की जरूरत नहीं, एफटीए को एमटीए को पाइप लगाने की जरूरत नहीं, बाकी पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये और फ्लो का मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे गम नहीं लगा रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। और ये वाला जो पानी का है इसको भी हम गम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि बाद में हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको हम कभी भी गम नहीं। ये ओवरफ्लो का है तो यहाँ पे पानी डायरेक्ट आएगा। और ये तो इस तरह से हमारा आज का जो है प्लम्बिंग का काम खत्म हो चुका है। प्लम्बिंग का टोटल आज का कॉस्ट जो है सिलिकॉन सब मिला के, मतलब जो उसका गम आता है, 1,850 रुपये में हुआ है ये प्लम्बिंग पूरा। इस तरह से प्लम्बिंग करके रखोगे आपके अपने अपने एक्वेरियम के लिए तो ये लाइफ टाइम के 50 साल हो जाए 60 साल हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं कि पानी अच्छे से फिल्टर होगा। ये बेटर देन कैनिस्टर फिल्टर, गुड बेस्ट बेटर होता है ना, तो ये बेटर देन कैनिस्टर फिल्टर होता है। कैनिस्टर फिल्टर 2-3 साल ही उसकी लाइफ होती है, लेकिन ये 50-60 साल तक भी चल जाएगा अच्छे से आप प्लम्बिंग करके रखते हैं। तो मरीन का भी इस तरीके इसी तरह करते हैं, थोड़ा एडवांस होता है, ये बिगिनर्स लेवल है जो अभी हमने किया। तो फाइनली देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, अभी सम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सम बनने के बाद व्हाइट कलर बैकग्राउंड के काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, आप जो भी चाहे मीडिया इसमें ऐड कर सकते हो। ऊपर अभी एक ओवरफ्लो बॉक्स आना बाकी है, वहाँ पर देखिए वो भी कट कर दिया मैंने, ऊपर जो है थोड़ा एल्बो कट करके डाला है ओवरफ्लो के लिए, और नॉर्मल पाइप है वहाँ पर मुड़ा हुआ एक पाइप है जिसमें पानी आएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर एक नया टैंक दूसरा रखेंगे हम, ओवरफ्लो बॉक्स यहाँ पर, ये टॉप अप फिल्टर या एक न्यू टेट्रा की टैंक वगैरह जो भी चाहे कर सकते हैं, फ्यूचर में डोर डालेंगे, अभी फिलहाल ऐसा ही रहेगा। ये ऊपर टैंक जो है अभी कल जो है मैं कैप बनाऊंगा इसका, उसके बाद ओवरफ्लो बॉक्स आएगा, उसके बाद हम पानी ऐड करके फिशेस ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, पानी फिल करके फिशेस को ऐड करेंगे। मॉन्स्टर फिशेस आएगी, बहुत सारे नए नए वैरायटी फिशेस हैं जो आज तक हमारे चैनल पे नहीं दिखाई गई, इस तरह के फिशेस आएंगे जो बहुत कॉस्टली होते हैं। इसमें एशियन अरोना भी रखने वाला हूँ, इसके अंदर हम स्टिंगरे भी रखेंगे, पीकॉक बॉस भी रखेंगे, बहुत सारे अनेक फिशेस हैं। और सबसे मेन हेड जो है इसकी फिशेस, इस टैंक की हेड जो होगी वो होगी स्नेक हेड फिश। काफ़ी दिनों से मैं इसका इस्तेमाल वेट कर रहा हूँ, तो आने वाले वीडियो में आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये प्लम्बिंग कैसी लगी जरूर बताना, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।